हमको भी मिलना चाहिए। मेरा ये सीआर के अनुसार दे दीजिए। कॉन्वॉय वर्कर्स यूनियन और जो ट्रांसपोर्टर्स के पक्षकार थे वो दोनों पक्ष आए थे आज, और दोनों में पूरा वार्ता हुई है दोनों पक्षों की तरफ से, और सरकार के प्रतिनिधि की तरफ से श्रम विभाग के भी मौजूद था। दोनों पक्षों में वार्ता होने के बाद ट्रांसपोर्टर यूनियन ने माना है कि आपस में वो डिस्कस करके अगले 5 तारीख तक वो बोनस जो श्रम कानून के तहत होगा वो दे होगा, वो आपस में डिस्कस करके अपना पक्ष जो है वो 5 तारीख को देंगे, और उसके बाद सरकार अगर देखती है कि सब कुछ ठीक है तो उसी पर आधार पर अपना ये करेगी, आदेश निकालेगी, और अगर कानून के विपरीत कुछ होता है तो हम कानून के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। दोनों सर शांतिपूर्वक दोनों में हाँ पूरे शांतिपूर्वक सारी बातें रखी गई दोनों पक्षों, किसी प्रकार का बस एक बोनस पे छोटी सा बात है कि जो भी अपना देना चाहते हैं ट्रांसपोर्टर यूनियन वाले प्रबंधन पक्ष वो अपना एक लिखित में उत्तर 5 तारीख को अगली तिथि को दे देते हैं, तो उसके बाद हम लोग आश्वासन दिया गया। नहीं आश्वासन नहीं, उस पर फैसला हो जाएगा 5 तारीख तक इसका समाधान निकल जाएगा। सर अपना पद और परिचय। मैं श्रम अधीक्षक जमशेदपुर। नहीं अभी बोनस के संबंध में पूरी वार्ता हुई नहीं है, अभी उसके लिए समय दिया गया है 5 तारीख तक जो है, पर हम लोग विचार करके क्या क्या इस बिंदु पर फिर अगली बैठक में जो भी निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। आज के वार्ता से कितना सेटिस्फाइड हैं आप? वार्ता तो सेटिस्फाइड नहीं है, वार्ता में अपडेट बढ़ गया है। अब उस टाइम में फिर हम लोग इकट्ठे होंगे। क्या उन लोगों का मांग जायज है क्या? क्या लगा आपको? ये तो मांग है, उस पर देखा जाएगा क्या है। आपको क्या लगा ना? हमको क्या लगेगा? हम सरकार का जो नियम है, सरकार का जो नियम है उसको तो पालन करना ही है, पालन तो होता ही है। नहीं फैसला कुछ नहीं हुआ है। इनका जो बोनस का मांग था जिस पर अभी जो है आप श्रम अधीक्षक के सामने जो वार्ता हुई है उस वार्ता में अभी इनके जो डिमांड है जो 975 जो कन्वॉय ड्राइवर्स हैं तो उस व्यवस्था के तहत नहीं आना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि हम मिनिमम वेजेज अलग से लेंगे, 31 लोगों के साथ रहेंगे, और जो बोनस की बात है तो बोनस जो मांग रहे हैं तो उस व्यवस्था के तहत आएगा, तो जैसे और लोगों को मिलता है उसमें उनको भी मिलेगा, लेकिन ये अपनी व्यवस्था अलग चाह रहे हैं। इस पर विचार करने के लिए समय दिया गया है, उस पर विचार होगा, फिर जो आदेश होगा DLC कार्यालय का, DLC कार्यालय भी सरकार का ही है, तो जो आदेश होगा जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उसको मानेंगे। हम लोग वार्ता से सेटिस्फाइड हैं, और जो उन लोग का डिमांड है हम लोग भी चाहते हैं कि उनको मिले, लेकिन वो ज़्यादा व्यवस्था 975 में 941 चालक हमारे साथ है एग्रीमेंट व्यवस्था के अंतर्गत, मात्र 31 चालक जो है वो लोग न्यूनतम मजदूरी में है, इसलिए क्या है उन लोग का मांग है बोनस, उन लोग का मांग है शॉर्ट डेट, लेकिन वो लोग अपना रनिंग डेट या व्यवस्था को DC साहब के यहाँ DLC साहब के अपने अलग करवाए थे 2017 में, इसलिए उन लोग का व्यवस्था से उन लोग को सब कुछ दिया जा रहा है। जुनता भी उन लोग का एक पद्धति है कि वहाँ पर हमेशा कुछ न कुछ विवाद को खड़ा रखा जाए। ट्रांसपोर्टर को इसमें नुकसान होगा कि फायदा होगा? देखिए ट्रांसपोर्टर को इसमें नुकसान ही है, उनका जो सरकारी रेट है 528 वो दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है उनको, उसमें कोई कमी नहीं है। आज जो श्रमयुक्त की तरफ से जो फैसला हुआ जो उसमें के लिए आप लोग का समर्थन है क्या? आपने यूनियन का नाम बताइए। ऑल इंडिया कन्वॉय वर्कर्स यूनियन, नाम जय नारायण सिंह महासचिव। ज्ञान सागर जी आज DLC श्रम कार्यालय में 3 जन का मीटिंग हुआ जिसमें आप कन्वाई चालक ट्रांसपोर्टर कंपनी और सरकारी अधिकारी DLC, क्या फैसला हुआ जिसके लिए आप लोग मांग लगातार करते हुए आ रहे हैं? देखिए आपके जनरल मान पहले ये तो बताना जरूरी होना कि किस बिंदु पर फैसला हुआ। सरकार के द्वारा जो निर्धारित है न्यूनतम मजदूरी देने के लिए सब कोई ने कहा कि नहीं मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलता तो मिलेगा, जो वाजिब न्यूनतम मजदूरी है जो अति कुशल का रेट सरकार द्वारा वो मिलना है। दूसरा चीज DC महोदय के द्वारा एक आदेश 2017 में वो आदेश के अनुसार काम नहीं हो रहा है, वो काम होना है जिसको शॉर्ट डेट देना है, सबको बराबर देना है। तीसरा चीज है कि ड्राइवर जो गाड़ी लेके जाता है पहुंचाता है सालों भर काम करता है उसको 8.33 बोनस बनता है क्योंकि वो 30 दिन से ज़्यादा काम करता है। अभी क्या फैसला हुआ इसी बिंदुओं पर? आज जो है
ट्रांसपोर्टर के पास जो बात आई है वो अपने अन अधिकारियों से बात करेंगे, क्योंकि जब देने ही है तो ये लोग आगे बातचीत करके कब इम्प्लीमेंट 5 तारीख तक का ही सरकार टाइम दिया है। ये डीएलसी महोदय का तो नहीं, ये झारखंड सरकार को तो तय है कि ये 5 तारीख तक आप आके जो भी बोलना है जो भी करना है कर दीजिए, क्योंकि मिनोवे देना ही है आपको, शॉर्ट डेट ऑर्डर वो देना है, आपका बोनस देना है, ये 3 मीटर। अगर नहीं मिलता तो इसके लिए आपकी राह आगे क्या कीजिए? अगर नहीं मिलता है तो इसकी राह तो सरकार तय करेगी ना, कि सरकार कटघरे में आएगी ना, ज्ञान सागर नहीं यहाँ आए ना, हम मधु को लेकर अपनी बातों को रखने नहीं आए, सरकार को कटघरे में लाए हैं। सरकार है तो काम करे, कानून बना उस पर लागू करे, उसलिए यहाँ है, खेल नहीं है। ये 40 साल तक खेल खेला जा रहा जो है ना, ये टाटा मोटर खेल खिला रहा है, ये नहीं चलेगा ना। हम लोग कटने मरने को तैयार जब हो गए हैं तो डर क्या जिसका जी। और ये मैटर सारा कुछ टाटा मोटर के द्वारा खेला जा रहा, उसी के खिलाफ ये प्रदर्शन है। अंत कब होगा? अंत ये अंत जो होगा ना, सरकार जाएगी तो अंत होगा, सरकार नहीं जाएगी तो अंत नहीं होगा, क्योंकि सरकार का जलता ही ड्राइवर आज तक रोड पर है। सब बिकाऊ है, मानते हैं सब बिकाऊ है, सब बिकाऊ है, आज तक बेचा है सब लोगों ने। कहीं भी हिंदुस्तान में ऐसा है कि 24 घंटे का मजदूरी तय होता है? आज कनवाई चालकों को अगर 500 भी दिया जाता है ना तो 24 घंटे का है। अभी करो या मरो का स्थिति में आ गए आप लोग। तो ये स्थिति जो है, हम आएंगे नहीं, ये सरकार को भी लाएंगे। इनका जो है ना, बड़े बड़े बोल सुनता हूँ ना कि मजदूरों के लिए काम करते हैं, सरकार काम कर रही है, तो काम करिए तो काम करके दिखाए, टाल मटोल नहीं। हम कोई मांग लेके नहीं आए आपके जन्म में, कोई मांग लेके नहीं आए, सरकार के द्वारा जो तय है उसको लागू करो, ये अधिकारियों की जवाबदेही है। और अगर जवाबदेही नहीं निभाते हैं तो इसकी जवाबदेही इनकी बनेगी, हमारी नहीं। आंदोलन तो रोज है, आज भी आंदोलन पर हम लोग है, देश आजाद हुआ उसके बाद आज भी मजदूर आंदोलन पर है। मजदूर जो है आज भी शोषक है, हम लोग न्यूनतम मजदूरी लड़ाई लड़े हैं तो जाके आज झारखंड में न्यूनतम मजदूरी मजदूरों को मिल रहा, नहीं तो 200 पे काम कराया जाता रहा। अच्छा अच्छा, ज्ञान सागर जी अपना परिचय दीजिए। ज्ञान सागर प्रसाद मुझे लोग बोलते हैं, अपने भाइयों के बीच में हूँ, कानवाई चालकों के साथ टाटा मोटर के खिलाफ लड़ने के चलते आज मुझे शहर में पहचान मिली है कि मजदूर की आवाज हूँ। चुनाव आ रहा है 2024, इस बार भी लड़िएगा? चुनाव इस बार जनता तय करती है ना, समय तय करता है लड़ना नहीं लड़ना है, लेकिन ये तय है कि अगर आवाज़ उठाने का मौका मिला तो मैं आवाज़ उठाऊंगा। चलिए, बहुत धन्यवाद।